दोस्तों, हर मुल्क में जहां अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, वहीं कुछ गद्दार भी मौजूद होते हैं जो चंद पैसों के इवज अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करते। आज हम ऐसे ही एक गद्दार ब्रिगेडियर राजा रिजवान का जिक्र करेंगे, जिसने कुछ पैसों के लिए अपने मुल्क पाकिस्तान की असमत का सौदा किया। ब्रिगेडियर रिजवान कैसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिला और पाकिस्तान के खुफिया राज इंडिया की एजेंसी रॉ को मुंतकिल किए, और फिर आईएसआई के गुमनाम हीरोज ने किस तरह इस गद्दार को दबोच लिया। दोस्तों, राजा रिजवान आर्मी के कई बड़े ओहदों पर तैनात रहा और आर्मी से रिटायर होने के बाद इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर था। पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज ने राजा रिजवान की रिटायरमेंट से पहले से ही उन पर नजर रखी थी। ब्रिगेडियर रिजवान 2009 से 2012 तक मिलिट्री अताशी के तौर पर अहम यूरोपियन ममालिक में रहे और इसी दौरान उनका राबता भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ से हुआ। जराए के मुताबिक राजा रिजवान ने जर्मनी के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी से मुल्की राजों का सौदा किया और भारी रकम के एवज पाकिस्तान के राज बेचे। आईएसआई को इस डील की खबर मिल चुकी थी, लेकिन राजा रिजवान पर हाथ ना डाला गया क्योंकि आईएसआई का असल मकसद राजा रिजवान के साथ मिले हुए पूरे ग्रोह को दबोचना था, और फिर हुआ भी ऐसा ही। राजा रिजवान के साथ साथ इसके साथ मिले हुए बाकी सारे ग्रोह को पकड़ लिया गया। फौजी ज़राए के मुताबिक राजा रिजवान के भारत को बेचे जाने वाले राजों से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। इस डील के बाद आईएसआई ने राजा रिजवान के ऊपर निगरानी मजीद सख्त कर दी और इनको पकड़ने के बाद वही सजा दी गई जो एक गद्दार को दी जाती है। 10 अक्टूबर 2018 की एक रात जब राजा रिजवान अपने ड्राइवर के साथ एक दोस्त को मिलने जा रहे थे, तो G10 इस्लामाबाद से इन्हें आईएसआई ने अपनी हिरासत में ले लिया। कोई नहीं जानता था कि राजा रिजवान अचानक कहां गए। जब काफी दिन गुजरने के बाद ब्रिगेडियर रिजवान घर ना पहुंचे, तो इनके बेटे अली रिजवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और लिखा कि 10 अक्टूबर की रात से मेरे वालिद गायब हैं और सादा कपड़ों में मलबूस तीन अफराद ने मेरे वालिद को अगवा किया है और उनका मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। हाई कोर्ट में समाअत हुई तो तफ्तीश के बाद 15 नवंबर 2018 को वजारत दफा की तरफ से स्टेटमेंट दी गई कि राजा रिजवान के खिलाफ मुल्क के सीक्रेट बेचने पर कार्रवाई की जा रही है और एक आर्मी ऑफिसर होने की हैसियत से कोर्ट मार्शल करने का भी मुकदमा किया जाएगा। इसके बाद राजा रिजवान पर ऑफिशियली तरीके से मुकदमा चलाया गया और तमाम सबूतों को पेश करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से फांसी की तौसी कर दी गई और 24 नवंबर इतवार के दिन मुल्क के इस गद्दार को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। दोस्तों, पाक आर्मी पर हमेशा उंगली उठाई जाती है कि सिविलियंस को उनकी गलती पर हमेशा कटहरे में ला खड़ा किया जाता है, लेकिन आर्मी का कोई एहतसाब नहीं होता। पाक आर्मी की तरफ से किया जाने वाला ये अमल इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस मुल्क से गद्दारी करने वालों के लिए इस जमीन पर कोई जगह नहीं है और गद्दारी का अंजाम सिर्फ मौत है, वो फिर चाहे कोई सिविलियन हो या फिर आर्मी का कोई बड़ा ओहदेदार। कानून सबके लिए यकसां है। दोस्तों, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बासानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।